डालडा बना दो, तेल में बना दो, टोटल देसी में बनता है। जायरीन आते हैं उनमें तकसीम हो जाता है, सब में होता है तकसीम, और बड़े लाइन लग के लेते हैं बड़े सुकून से। अभी अंदाज लगा लो, ये 775 साल से एक तकसीम हो रहा है खाना आज भी, और आज भी बाबा साहब का वही लंगर चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सलमान पठान और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, जयपुर से चंद किलोमीटर दूर बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता की निशानी है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, तमाम मजहब के लोग इस दरगाह में अकीदत के साथ पहुँचते हैं और अपनी दुआओं की दरख्वास्त बाबा के आस्थाने में दर्ज करा देते हैं। अकीदतमंद इस बात को मानते हैं कि बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती उनकी दुआओं को खुदा की बारगाह तक पहुंचाने का जरिया है। मुल्क भर में शेखावत वंश के द्वारा कायम होने में बाबा बुरहानुद्दीन का कमाल है, ऐसा भी माना जाता है। नाजरीन, इस साल बाबा बुरहानुद्दीन का 775वां उर्स गांव ताला शरीफ में मुनाकिद किया हुआ है। 21 अप्रैल को परचम कुसाई की रस्म के साथ आगाज हुआ। आज कुल की रस्म के साथ 5 रोजा उर्स इख्तिमाम पजीर हुआ। तस्नीम टीवी की खास कवरेज उर्स के इस मौके पर रही, पेशे खिदमत है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, तस्नीम टीवी का कारवां आज जयपुर से 50 किलोमीटर दूर वाके गांव ताला पहुंचा है, जहां शेख बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये 775वां उर्स इस वक्त यहां मुनक्किद होने जा रहा है। मोरखा 21 अप्रैल को परचम कुशाई की रस्म के साथ इस उर्स का आगाज हुआ था। 5 रोज़ा ये उर्स आज कुल की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, लिहाजा हम आपको लेकर आए हैं ताला बाबा साहेब यानी हज़रत बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के इस मज़ार पर। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक, एक सौहार्द देखा जाता है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, तमाम जातियों के तमाम मजाहिबों के लोग यहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। चाहे झड़ूले उतरवाने हो, मन्नत मांगनी हो या कोई अपनी दुआ कबूल करवानी हो, इन तमाम अकीदों अकायद के साथ बाबा के इस मज़ार पर लोग आते हुए देखे जा सकते हैं। आज इस दरगाह पर पहुँचने के बाद हम आपको महफिल समा आपके सामने पेश करेंगे, खादिमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपकी ज़ियारत करवाएंगे शेख बाबा बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। ये यहाँ पे जो दरगाह है, ये कितने साल से है? ये बहुत पुरानी है, 600-700 साल से है। हम तो शुरुआत मेरी तो अब हम तो पैदल जब से खोल रहे हम तो दुकान चारों तरफ से आते हैं, फूल चद्दर रेवड़ी इतर सब चलता है। दो साल से लगातार लॉकडाउन था, कोरोना था, लोग आ नहीं पा रहे थे। इस साल उम्मीद थी बहुत ज़्यादा लोग इस बार आ पाएंगे उसमें, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, क्या वजह? वो रमजान शरीफ का महीना है ना, इस वजह से रोजे से तो रोजे से नहीं आ सकता आदमी। इसका आज आखिरी दिन है, 5वां दिन है, लिहाजा भीड़ भी अपने उरूज पर है। जयपुर से एक फैमिली, एक परिवार यहाँ दर्शन करने पहुंचा, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन खान है। मोहसिन, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। किस अकीदे और किस मन्नत के साथ आए? जी, हमारी मन्नत और आस्था के साथ आए। हम मानते हैं ताले वाले बाबा को और हम काफ़ी बरसों से यहाँ आ रहे हैं। कौन कौन आए घर से? मम्मी, भाभी, भाई, बच्चे, पूरी फैमिली के साथ आए हम। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? हम 30 सालों से आ रहे हैं, 30-35 सालों से। विश्वास लेकर आते हैं? पूरा भरोसा लेकर आते हैं, बाबा हमारी मिन्नत पूरी करते हैं, हमारा भरोसा नहीं, हम हमारी मर्जी से आते हैं, खुदकुशी से आते हैं। जिंदगी का वाक्य, हाँ हमारा वाक्य है, हाँ विश्वास बढ़ा हुआ, हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये दुआ मांगते हैं, पूरी होती है। मैं यहाँ पर करीब 50 साल से आता हूँ, बुजुर्ग हस्ती है, अल्लाह का करम है, मैंने जो मांगा वो दिया इन्होंने। 50 साल हो गए करीब आते हैं मेरे को, 50-55 साल हो गए, उसके करीब ही है, बहुत बहुत शुक्र है उसका एहसान।
मैं साहब मैं भी 55 साल का हो गया हूँ मैं, और पहले बैलगाड़ी में आते थे हम, फिर जीवों में आने लग गए बुरान बाबा के, समझ लो हम छोटे से इतने बड़े हुए आप आते हुए, और बहुत बड़ी हस्ती है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, अच्छे काम होते हैं इनके, बहुत मानी भी पोजी भी हस्ती हैं। हमने ये मांगी थी कि हमारे मतलब घर का मकान हो, कराए में रहते थे, ऐसे रहते थे गरीब हालत में, अब इन माँ बाप की दुआ से अल्लाह करम से हर साल आते हैं और माशाल्लाह बहुत बढ़िया कमाते हैं, इनकी दुआओं से बहुत बढ़िया रहा है। आप बताएंगे कुछ? बाबा के वैसे मिल दुआ करने के लिए आते हैं, दुआ कबूल भी होती है। मेरी बच्ची आईसीयू में थी, बाबा के यहाँ पे दुआ मांगी, मेरी बच्ची छत पे से गिर गई थी, ये यहाँ आ लिया। इन्होंने बताया कि हमारी एक बच्ची थी जो आईसीयू में एडमिट थी, बहुत बीमार थी, बाबा के यहाँ दुआ की, दुआ करने के बाद उसे शिफा मिल गई। इसको 2 दिन होश नहीं आया था, 1 महीना ही हॉस्पिटल में भर्ती थी, जैकलोन में आईसीयू में भर्ती है, क्या ये दुआ मस्जिदों में हर जगह। क्या नाम है आपका? आलिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6। आप यहाँ कब से आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ? बहुत साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ के? बहुत अच्छा। आपको पता है आप इन्हीं की वजह से यहाँ पे अभी हो? कटाते हैं बाल, बाल को उतरा हमारी मान्यता, इसलिए यहाँ उतरा है। बाल को उतरा। बेटा है आपका? हाँ हमारा बेटा है। क्या मन्नत थी, किस लिए आया? ना पितरों का, पूर्वजों का है हमारा, कि हमारे जड़ूले के बाल पीर बाबा के ही उतरते हैं, हमारे शुरू से मान्यता है बाबा को लेके, ना तो विश्वास है, यकीन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के भरोसे हमारी गाड़ी चल रही है बाबा के सागे ही हम लोगों की। घर जोड़े हमारे जड़ूले सब यही उतरते हैं, हमारी पीढ़ियों से मानते हैं, आप पीढ़ियों से मानते आए इनको, हमारी मान्यता यही की है। हम यहाँ से जब बाबा आया था, जब से मतलब हम इनकी किस्मत कर रहे हैं और यहाँ बाल उतारते हैं, समझे? बताओ, बाबा आए थे ना यहाँ पे, जब से हम इनकी खिदमत कर रहे हैं और यहाँ मतलब दांत जरूर लेके आते हैं, हम उसको वही काट रहे। क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन। नसरुद्दीन जी, आप हिंदू अराकीन जो है बाबा को मानने वाले, जिनका यकीन है आप बाल उतारते हैं उनके, आपको कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी महसूस होती है हमारी को, उनकी जो मन्नत होती है, यकीन होता है, उसमें आप कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हो। बिल्कुल हाँ, सहयोग करते हैं, हम दुआ करते हैं बाबा से, मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब बच्चों, समझ गए? आप बताएंगे कुछ जी? बाबा यहाँ पर सबकी मुरादें पूरी करते हैं, और बाबा यहाँ पर सबकी मुरादें पूरी करते हैं, और यहाँ हिंदू मुसलमान सब आते हैं, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब आते हैं। और बाबा साहब जब से आए हैं, जब से हम हमारे पूर्वज यहीं पे, हम यहीं के हैं पीढ़ियों से, और बाबा साहब के जो भी जड़ूले आते हैं, मन्नतें आती हैं, उनके हम यहाँ पे जड़ूले उतारते हैं, ये जाल के नीचे हमेशा से, ये इसी जाल के नीचे जड़ूले उतरते हैं यहाँ पे, और हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, और बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं यहाँ पे। आज के दौर में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एक एकता का ये सबसे बेहतरीन तीर्थ स्थान है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का, इससे बेहतरीन मिसाल कहीं पे भी मिलेगी आपको। या हिंदू मुसलमान सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं यहाँ पे, और सब एकता के साथ यहाँ पे, सब बाबा के सब यहाँ पे आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं बाबा से। आप बताएंगे कुछ? हाँ बिल्कुल भाई, बाबा साहब, बाबा साहब के यानी सब कुछ, यानी हिंदू मुसलमान एक तरह से मोहब्बत सारे से रहते हैं, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी, सभी एक तरह, यानी हिंदू और मुसलमान एक तरह से रहते हैं आज के समय। और ये आज के समय देश में जो इस तरह का माहौल चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ लोगों में एक? नहीं यहाँ कोई ऐसे उद्धव नहीं है, सब भाईचारे से रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम सब जात के आते हैं, ज्यादातर व्यवहारी ये सब आते हैं। दूसरी बात में यहाँ कोई भी ऐसा वो नहीं है, किसी को तकलीफ पड़ने वाले नहीं है, यहाँ सब मिन्नत के सब। पुरानी दरगाह है यही, कम से कम भी 775 बरस हो गए, और 775 में यहाँ बाबा साहब की देखे भी बनती हैं, सब हिंदू मुसलमान लूटते भी हैं, और सब मुसलमान यानी हिंदू और मुसलमान सब जात के यहाँ आते हैं, कर्नाटक से भी आते हैं, बम्बई से भी आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम तो इमामुद्दीन है, वाटर वर्क्स कर्मचारी हूँ मैं वैसे, और बाबा का यानी खिदमतगारों में भी हैं, और यहाँ हमारी आज के दिन सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ पर प्योर वेज बनता है, दाल बाटी चूरमा, ताकि ये बाबा के खास दिन की प्रसादी है, ताकि भाई किसी को वो नहीं होवे। और आप अभी देखेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे तो लोग अपने हाथों से बना रहा है,
क्या कि ये बड़े बिजनेसमैन है, टोटल ये बाहर रहते हैं अफ्रीका वगैरह में, अमेरिका, अफ्रीका, जाम्बिया, तो अब वो यहाँ आकर सिर्फ इसलिए आते हैं अफ्रीका से भी ये लोग कि भाई हमें बाबा क्या अपनी प्रसादी पूरी करनी है चढ़ाकर पेश करके। तो अब आप आगे बढ़े और इनकी कढ़ाई में देखो किस तरीके से चूरा बना रहे हैं खुद, और बड़े वैसे लोग हैं ये जो खाना बना रहे हैं, ये भूरी भाई है और मुजफ्फरुल्ला, ये अफ्रीका से आए सिर्फ इसी मन्नत के लिए आए यहाँ पर कि भाई हमें बाबा साहब के प्रसादी पेश करनी है अपना, और टोटल वेज बनता है, देसी घी में बनाते हैं सारे। अभी आप देख रहे हैं नीचे कढ़ाई में ये अपने हाथ से तलना है, जबकि इनके 10-15 नौकर होंगे, मगर बाबा साहब की मन्नत की वजह से खुद अपने हाथ से तलना है, बाटियाँ चूरमा सब बना रहा है ये लोग। पूरी भाई क्या यकीन, क्या एतमाद यकीन है आपका बाबा में इतना? अस्सलाम वालेकुम। बाबा की नस्बत है साहब, ये हमारे बुजुर्ग आने दिन आते हैं, हमारे बुजुर्ग जितने भी थे, हमारे दादा परदादा, हमारे वालिद, सबकी यहाँ से नस्बत है, हम लोग बचपन से ही आते हैं, तो यहाँ बाबा के यहाँ जो भी मुराद मांगते हैं अल्लाह का शुक्र है आज तलक पूरी होती है। मैं अफ्रीका रहता हूँ जाम्बिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इसीलिए यहाँ आया हूँ कि बाबा की नस्बत है, और ईद भी है तो दोनों काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। दरगाह बाबा शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की मज़ार पर इस वक्त हम मौजूद हैं, खादिमान हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे हम जानेंगे कि आखिर इस दरगाह की जो मान्यता है, इस दरगाह से इस कदर प्यार और मोहब्बत जो लोग इस वक्त दिखा पा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, बताएंगे आप कुछ? जी सलाम अलैकुम। ये के लिए जो अकीदा जो लोगों में, ये बाबा शेख बुरहान चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह शरीफ जयपुर से करीब 40 किलोमीटर फासले पर है, और इनकी मान्यता ये है कि ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह के रिश्ते में भाई होते हैं और उनके खलीफा हैं, और वो यहाँ से आए हुए हैं साथ में, तो यहाँ इनकी मान्यता ये है कि यहाँ पर जितने भी राजपूत शेखावत हुए हैं, दिगर अपने ये शाहपुरा दरबार, ये हर चीज़ इन लोगों की बनाई हुई, जितनी भी शाखवाद राजपूत टोटल स्टेट के उन लोगों ने मनाई थी, और आज उनकी इन्हें मानता है कि उनकी फैमिली आज भी आती है यहाँ पर, और बड़े अकीदत से और अदब से किस दायरे में आती हैं, और आज के दिन ख़ास तौर से ये पेवर वेज बनाते हैं, दाल बाटी चूरमा जो जिसको अपन देसी में मलिदा कहते हैं वो बनाते हैं, और वही सब लोग खाते हैं, प्रसादी बाबा साहब के वही चढ़ती है। और अभी अपन आगे बढ़ के देखेंगे, साइड में मेरे सीधे हाथ के ऊपर बाबा साहब की देखे हैं मन्नत की, और अपन बुलंदाजों चलेंगे, वो बड़ी देख जो बाबा साहब के 775 साल पुरानी देखे बनी हुई है, आज भी उनमें खाने बनते हैं, और अभी सुबह भी अभी खाना बना था, करीब 35 मन खाना बनता है एक एक देख में, और सबको और पेवर वेज होता है। क्या हिंदू क्या मुसलमान बाबा के इस मज़ार पर सभी बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं, इस रंग में रंगे हुए हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? बाबा साहब का यहाँ ताला शरीफ में आने से पहले अमृतसर में आए थे बाबा साहब, फिर अमृतसर से बैठ गए थे, बाबा साहब ने वहाँ से ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एक जुटी बना के फेस किया, एक जो इन्होंने ऐसा कायम मिसाल किया, हजरत बाबा गरीब नवाज का मामू है ये, इनके पास जो भी मुराद लेके आता है, जो भर के जाता है, या हम यहाँ बाबा के खादी में इनके गुलाम में गुलाम हैं, जो भी हमारे आते हैं बाबा साहब के, उसकी खिदमत करते हैं, बाबा साहब के देख का चावल तस्कीम करते हैं, बाबा साहब की जो भी चीज़ है जो उनके हवाले करते हैं, और उनके दिलो जान से हिंदू मुस्लिम को एक कौम से हम बरतते हैं, किसी में जाति भाव नहीं करते हैं, यह हमारे बाबा साहब का करम है। आप जो भी मुराद लेके आओगे, बाबा साहब के जो भी मुराद पाके जाओगे अंदर दिल से, ये बाबा का करम है, ये अल्लाह का फैज है, बाबा साहब ने इतना बड़ा फैज दिया है बाबा साहब को, जो भी जो मांगो इन्होंने खाली नहीं जाती है झोली, और हम तो ये चाहते हैं बाबा साहब के जो भी जाहिर ना आए सबकी मुरादें पूरी करें बाबा साहब जी, किसी की भी बहुत कमी हो बाबा साहब के अंदर से मांगेंगे, बाबा साहब सुनता है, हजरत बाबा ख्वाजा गरीब नवाज का मामू है, यहाँ पे बाबा साहब का बहुत बड़ा आस्थाना है, किसी को मालूम नहीं है, आप जहाँ तक सेल करो, हमारे बाबा साहब की पहुँच करो, यहाँ
ज्यादा ज्यादा कहाँ कहाँ से आते हैं जायरीन इस दरगाह? जयपुर रामगंज बाजार से रहमानी बिरादरी आती है हर साल, बच्चों बीवी बच्चों को लेके, और यही खाना भी बनाती है और खाते हैं, और दरगाह में भी आते हैं और दरगाह में भी हिस्सा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हर साल हम यहाँ पे आते हैं रहमानी बिरादरी रामगंज बाजार। तो ये खादिम लोग अपन आगे चल के देखते हैं बाबा साहब की जो देखें, जिसे 35 मन चावल बनते हैं ये खाने का, ये इधर साइड में आपके, तो ये आप यहाँ से देखेंगे कैमरे में देखेंगे ये रहा। और अभी सुबह बनी है ये देख, बड़ी छोटी देख दोनों बनी है, बड़ी देख बुलंद दरवाजे पे आगे भी चल। इनमें एक एक में करीब 15-15 मन बनता है, जिसमें चावल शकर और ड्राई फ्रूट मेवा पिस्ते बादाम छुहारे खोपरा सब डालते हैं इसके अंदर, घी और देसी घी मरी जाती है, यानी साहब डालडा बना दो तेल में बना दो, टोटल देसी में बनता है। जायरीन आते हैं उनमें तकसीम हो जाता है? सब में होता है तकसीम, और बड़े लाइन लग के लेते हैं बड़े सुकून से। अभी अंदाज लगा लो ये 775 साल से एक तकसीम हो रहा है खाना आज भी, और आज भी बाबा साहब का वही लंगर चल रहा है। 1400 साल हो गई बाबा साहब को यहाँ आए हुए, 1400 बरस हो गए, 1400 साल से ऊपर चल रहा है, 775 का उर्स है बाबा साहब का। या बाबा साहब के कोई भी मुराद लेके आता है खाली नहीं जाता, लेके जाता है अंदर दिल से, मुराद मांगेंगे जो ही बाबा साहब देता है। अब बाबा साहब का बहुत बड़ा रकबा है, जमीन है 5000 बीघा जमीन है बाबा साहब की, बाबा साहब के कोई छोटिया और 5 कोठिया है बाबा साहब के। अरे बाबा साहब का फैज है, पानी भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, पानी की कमी नहीं है बाबा साहब के अंदर। अरे यहाँ पे खेतों में सब्जी साग सब्जी खूब बाबा के कर्म से खूब होती है यहाँ पे। क्या हिंदू क्या मुस्लिम बाबा की दरगाह पर तमाम वो जायरीन तमाम वो लोग पहुँच जाते हैं जिनके दिल में कोई दुआ कोई दर्द छुपा होता है। क्या नाम है आपका? कांता। कांता जी, हमने आपको देखा था कि आप दंडवत प्रणाम करते हुए भी आ रही थी, क्या माजरा था? हमको मकान बिक रहा था हमारा, हमारे बच्चे के लिए रख लिया, हमारे बच्चे दोबारा बेचने लग गया और नहीं बेचे, हमारे बच्चे के लिए आया है, हमारी मन्नत पूरी हो गई। ऐसा बच्चा और बहू किसी को मत देना, दे हो तो माँ बाप की लज्जा रखे तो दो ने भांज रखने। आपने दुआ मांगी थी बाबा से? बाबा ने दुआ मांगी थी, दुआ कबूल हो गई? कबूल हो गई। किस तरीके से कबूल हुई? बच्चे की तरफ से, बच्चे के लिए मांगी थी मैं, मकान 1000 वर्ष का मकान रह गया बस। जी हाँ जी, आप बता रहे थे कुछ? देखो बाबा की मेहरबानी है, और ये बच्चों के लिए किया था, इन्होंने बाबा ने सुन लिया था, अब ये जाने इसके काम जाने। मैं तो इनसे ये अहसास करता हूँ कि बाबा तेने जैसा किया है वो अच्छा किया है, आज समझ में। बाकी सवाल ये है कि मकान बच गए, बच्चे बच रह गए, ये बच्चों के लिए मैंने किया है। ये वाकया सुनने के बाद नाज़रीन एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा, हिंदुस्तान को गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क कहा जाता है, इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान प्यार मोहब्बत से सदियों से रहते आए हुए हैं। पिछले कुछ वक्त से मुल्क की फिजा लगातार ख़राब होती जा रही है, लेकिन बाबा हज़रत बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये मज़ार, उनका ये उर्स, उनकी ये दरगाह, हिंदू जायरीन जितने भी हैं हिंदू तबकात से जो आने वाले, उनके चेहरे, उनकी दुआएं, उनका जोश इस बात का बयन सबूत है कि हिंदुस्तान में आज भी हिंदू और मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तस्नीम टीवी की ये खास रिपोर्ट, मैं रहीम अहमद खान लेता हूँ आपसे इजाज़त, आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आज की इस खास पेशकश में इतना ही, तस्नीम टीवी से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।